स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। इस पूरे टॉपिक में जो सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है वो है हड़प्पन सील्स। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर जो है इसकी शुरुआत ही हड़प्पन सील्स के बारे में जिक्र या फिर डिस्क्रिप्शन के साथ में हुआ था। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे ये कि हड़प्पन सील्स के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि हड़प्पन सील्स का इस्तेमाल क्या था या क्या प्रयोजन था, क्यों इनको इतने बड़े लेवल पर यूज किया जाता था। दूसरा, हड़प्पन सील्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो भी उनकी वेरियस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्टिंक्शन थे उन सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। Seals and ceilings were used to facilitate long distance communication. Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its sealing intact, it means that it had not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender. तो यहां से अपने को एक बात समझ में आता है कि जो हड़प्पा की सील्स हैं और हड़प्पा की सील्स की मदद से जो ये सीलिंग की जाती थी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। सील्स एंड सीलिंग्स वेर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था उसके लिए हड़प्पा की सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो लंबे दूरी तक के ट्रेड उस जमाने में होते थे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रेड एक से दूसरी जगह हो रहा था, बट साथ ही साथ हड़प्पा वालों ने ओमान हो गया, मेसोपोटामिया का जो इलाका है जो आज की तारीख में इराक और सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट के इलाके में आता है, या फिर दिलमन का जो इलाका हो गया जो बहरीन का आज की तारीख में इलाका कहलाता है, इन सारे इलाकों तक में भी इन लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे। अब इतने लंबे डिस्टेंस तक अगर ट्रेड हो रहा था हड़प्पा से, अगर इतने दूरी तक सामान जा रहा था उस जमाने में, तो इस बात की कोई गारंटी या श्योरिटी तो चाहिए कि आपने जो सामान जितनी मात्रा में भेजा है उतनी ही मात्रा में वहां पर पहुंचा है जिसने जिसको आप सामान भेज रहे हो। और दूसरी बात यह कि जो सामान आपने भेजा है एग्जैक्टली वही सामान सामने वाले के पास पहुंचा है, रास्ते में बीच में उस सामान में किसी तरीके की मिलावट तो नहीं हुई है, रास्ते में वहां पता चला कि उस सामान को रिप्लेस करके कोई दूसरा सामान डाल दिया गया हो, या इस तरीके की कोई टैम्परिंग वगैरह तो नहीं हुई है। अब इन सारी बातों को इंश्योर किया जाए तो कैसे किया जाए। आज की तारीख में तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे हैं, मगर उस टाइम पीरियड में यह होता था कि अगर आपने एक जगह से सामान भेजा है तो पता चला दूसरी जगह भेजते भेजते डिलीवर होते होते ही महीनों लगता है। तो इतने लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करके जब ट्रेड हो रहा है, इतने लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन आपको करना है, तो उसके लिए फिर जो प्रोमिनेंट तरीका था जिसकी मदद से इंश्योर किया जाता था कि सामान सही आदमी के पास पहुंच रहा है, सामान जिस तरीके से भेजा गया था उसी तरीके से भेज रहा है, बीच में कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई है, ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए सील्स और सीलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। होता यह था कि लेट से आपको एक बैग है, किसी भी तरीके के गुड्स है या कोई भी चीज है उसका बैग है, वो आपको एक से दूसरी जगह भेजना है, तो आपने उस पूरे सामान को एक बैग में पैक किया और उसको पैक करने के बाद में उसको इन रस्सियों से बांधा था, उन रस्सियों के ऊपर आपने जो गठान है वहां पर आपने थोड़ा सा क्ले या फिर थोड़ी सी मिट्टी लगा दी, गीली मिट्टी या गीली क्ले लगा दी। अब उसके ऊपर आपने उसको अच्छे से लगाने के बाद में उसके ऊपर आपने जो आपकी सील है उसको रखकर प्रेस कर दिया। इससे होगा यह कि सील्स के ऊपर जो इंप्रेशंस बने हुए हैं वो सारे के सारे इंप्रेशन उस मिट्टी के ऊपर छप जाएंगे, और उसको फिर आपने सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब ये जो बैग है, इस पर्टिकुलर बैग को जहां पे भी ट्रैवल करवाना है, जहां पे भी भेजना है वहां पे भेजा जाएगा। अब जिसको भी ये रिसीव होना है, अगर उसके पास में ये जो सील है वो इंटैक्ट पहुंच गई, यानी कि इस मिट्टी के ऊपर किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं उसको देखने को मिलती है, सील टूटी हुई नहीं है, और ये एज इट इज जैसी वहां पे लगाई गई थी वैसी एज इट इज अगर इंटैक्ट बनी हुई है, इसका मतलब रास्ते में सामान के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई है और सही तरीके से सामान पहुंचा दिया गया। अगर ये सील टूटी हुई मिलती है, अगर इसके साथ में कोई टेम्परिंग आपको देखने को मिलती है, तो फिर आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड होता था उसको इंश्योर करने के लिए कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको इंश्योर करने के लिए सील और सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता था। सामान के अलावा अगर लेट से आपने एक से दूसरी जगह कोई संदेशा भेजना है, अगर हम मान लें कि हड़प्पा वाले जो थे एक से दूसरी जगह कोई संदेशा अगर लिख के भेजा करते थे, कोई मैसेज भी अगर डिलीवर करना है, तो उस मैसेज को भी फिर इस तरीके से आप जो है सीलिंग वगैरह करके भेज सकते हो किसी बैग में। अगर सील टूटी है या फिर उसके साथ में कोई छेड़खानी हुई है तो वो दिख जाएगी साफ साफ, अगर नहीं तो फिर इसका मतलब पूरे रास्ते में किसी तरीके की टेम्परिंग या कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ट्रेड, इन सारी चीजों को इंश्योर करने में सील और सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एक चीज और है कि हड़प्पा की जो ये सीलिंग्स हैं, ये अपने जो सेंडर की आइडेंटिटी है उसको भी कन्वे करती थी, उसको भी जो है ये इंश्योर करवाती थी। अब ये कैसे होता था इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं।
हड़प्पन की सील्स के बारे में अपन ने बात करी थी शुरुआत में ही, इस लेक्चर की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा की सील में दो बातें हमको देखने को मिलती हैं। एक तो किसी जानवर की आकृति या फिर किसी एनिमल का मोटिव उसके ऊपर उकेरा गया है, प्लस किसी एक भाषा में या किसी चीज में कुछ लिखा गया है या कोई आकृति बनाई गई है जो हम लोग आज तक पढ़ नहीं पा रहे। हड़प्पा की सारी सील्स में यह बात कॉमन देखने के लिए मिलती है। जैसे यहां पर एक हाथी की आकृति उकेरी गई है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है या कुछ आकृति बनाई गई है, जो जो भी स्क्रिप्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। इसी तरीके से यहां पर एक सांड या फिर एक बुल जो है उसकी आकृति बनाई गई है और ऊपर कुछ लिखा गया जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। वही बात यहां पर है, एक राइनोसोरस की आकृति बनाई गई है और कुछ लिखा गया। अब हिस्टोरियंस का मानना यह है कि ये जो हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट है इसमें उन्होंने जो भी संदेश वगैरह दिया है ये तो वो आदमी पढ़ सकता है या फिर वो आदमी समझ सकता है जिसको पढ़ना लिखना आता है या फिर जिसको हड़प्पन स्क्रिप्ट की समझ है। अब लेट्स से कि अगर आपको ओमान वालों के साथ में ट्रेड करना है, इराक जो मेसोपोटामिया का इलाका हुआ करता था उन लोगों के साथ में ट्रेड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों को तो आपकी भाषा आती नहीं है, तो वो आपकी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगे कैसे समझेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी कन्वे करने के लिए आपने उनको पहले से बता रखा होगा कि भाई हमारी जो सामान आएगा उसके ऊपर आपको एक सील मिलेगी और उस सील के ऊपर फलाने फलाने जानवर की आकृति बनी होगी। तो अब फलाने फलाने जानवर की आकृति अगर दिखे तो समझ जाइएगा कि हमारा सामान है। तो जैसे लेट से कि एक मेसोपोटामिया या फिर ओमान का कोई व्यापारी है उसके साथ में हड़प्पा वाले ने ट्रेड जो भी अपना डील वगैरह करी हो कि हम आपको ये सो एंड सो सामान भेजेंगे और उसमें आपको हाथी की आकृति देखने के लिए मिलेगी, तो हाथी की आकृति जैसे ही सामने वाला देखेगा वहां पर तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये इस व्यापारी से सामान आया था, इसने बताया था इसकी आकृति है। अब भले ही ऊपर का जो लिखा हुआ है वो पढ़ते बने ना बने डजंट मैटर, मगर हाथी की आकृति इंश्योर कर देगी कि इस वाले आदमी से सामान मंगवाया गया। इसी तरह लेट से दूसरे किसी व्यापारी से बात कर रखी है और उसने बोला हो कि मेरी जो सील है उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक बुल देखने के लिए मिलेगा लंबा चौड़ा, तो अब ये बुल आपको देखने के लिए मिल गया आप उस सीलिंग के ऊपर तो आप समझ जाओगे कि फलाने फलाने व्यापारी से आया। यही बात राइनोसोरस वाले के लिए हो गई। तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में अगर आप ऐसी लोगों के साथ में ट्रेड कर रहे थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं थे, जो ये स्क्रिप्ट नहीं समझते थे, उन तक अपनी आइडेंटिटी कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता था, तो हिस्टोरियंस का कम से कम आज की तारीख में यही मानना है। तो वही बात लिखी हुई है कि ट्रेड और आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेशन तो सील करती थी, साथ ही साथ सीलिंग जिस तरीके से करी जाती थी और इस सील्स को जिस तरह से बनाया जाता था, ये जानवर की या फिर जो भी आकृति आपने बनाई है ये सामने वाला जो भेज रहा है जो सील का इस्तेमाल कर रहा है जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी को भी एक तरीके से कन्वे करने के लिए यूज होती थी। तो दो तीन काम अपने को यहाँ पे समझ में आते हैं सील से क्या क्या होते थे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे अपने को ध्यान रखना है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जाता था किस तरीके से, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपने को याद रखनी है कि सामान के बैग के ऊपर रस्सी बांध के मिट्टी लगा दी, उस पर सील लगा दी, अगर सील के साथ कोई छेड़खानी हुई है मतलब टेम्परिंग हुई है, और अगर ये एज इट इज पहुंच जाता है सामान सील एज इट इज बनी रहती है मतलब बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। साथ ही साथ इसके ऊपर जो जानवरों की आकृति या मोटिव बनाए जाते थे वो आइडेंटिटी को जो है सेंडर की आइडेंटिटी को कन्वे करने का तरीका था। अगर आप अपने मेहुला या फिर हड़प्पा वालों के साथ में ट्रेड कर रहे हो और अगर वो ये आपकी पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मगर अगर आप लेट से कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर ट्रेड कर रहे हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ में ट्रेड कर रहे हो तो उनको फिर ये आकृति वगैरह की मदद से समझ में आ जाएगा अगर वो ये नहीं भी पढ़ पा रहे हैं कि क्या लिखा है, तो आपकी आइडेंटिटी भी हो जाएगी। ये हिस्टोरियंस का मानना है ये दो तीन काम इन सील्स की मदद से होता था, और ये इसलिए भी प्रोमिनेंट हो जाता था क्योंकि हड़प्पा वाले बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। मतलब अगर आज की तारीख में इनका ट्रेड देखो कि 4,500 साल पहले हमारे पूर्वज इतने बड़े लेवल पर इतना भयंकर ट्रेड कर रहे थे तो आंखें आपकी फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए ये अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका है, धोलवीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, जो भी आपके प्रोमिनेंट बड़े बड़े ट्रेड हैं, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर से यहीं से ट्रेड होता था। अब यहां से आप देखिए कि ये लोग पूरा का पूरा ये पर्शियन गल्फ क्रॉस करके मेसोपोटामिया पहुंच रहे हैं, ये रेड सी वगैरह के रास्ते से यहां ये पूरा का पूरा रास्ता ट्रैवल करते हुए ओमान पहुंच रहे हैं, यहां से रेड सी से ट्रैवल करते करते इजिप्ट की सिविलाइजेशन में भी पहुंच गए, सेंट्रल एशिया वालों के साथ में इस रास्ते से ट्रेड हो रहा है, ये पूरा का पूरा रास्ता जो है ये लोग यहां तक कवर कर रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि इतने बड़े लेवल पर 4,500 साल पहले जब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़े कम थे या फिर लंबे डिस्टेंस तक आपको कई कई महीनों तक सामान जो है ट्रैवल करके भेजना पड़ता था, तब सीलिंग एक बड़ा एक कह सकते हैं इनोवेटिव तरीका था जिसकी मदद से इतने लंबे डिस्टेंस का ट्रेड और कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो रहा था। अब सोच के देखिए इतने हजार साल पहले इतने बड़े लेवल पर ट्रेड अगर किसी ने हमारे पूर्वज अगर कर रहे थे और उसमें सीलिंग का प्रयोग करके अगर इस तरीके से इंश्योर करवा रहे थे
है कि भाई सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये अपने आप में कितनी इनोवेटिव चीज या कितना इनोवेटिव आइडिया रहा होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज अपने को डिस्कस करनी है वो है हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट। जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक का मतलब है जो आपको पूरी तरह से समझ में ना आ रहा हो, जो थोड़ा सा जटिल हो, या जिसके बारे में आप पूरी तरीके से श्योर ना हो, एक धुंधलापन जिस पर्टिकुलर चीज में है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। तो अब हड़प्पन स्क्रिप्ट में ऐसी क्या बात है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके चलते हम लोग इसको आज तक पढ़ नहीं पाए, और इससे रिलेटेड जो दूसरी चीज है वो अब हम लोग इसमें देखेंगे। चले देखते हैं सर।